गाइस वेलकम टू केवल एकेडमी। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द को देख रहे हैं, यानी समानार्थी वर्ड को देख रहे हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया है, यानी अब आपका पेपर जो है वो 20 तारीख को होगा, 20 सितंबर को, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या हुआ, हमें एक हफ्ते का और समय मिल गया है। तो हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू रख रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। शशांक का पर्यायवाची, तो शशांक की पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे पहले कल हमने चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की बहुत सारी पर्यायवाचियाँ देखी थी, जिसमें इंदु, मृगशालन, चांद, रजनीकर, राकापति, शशि, सारंग, इन सभी को हमने देख रखा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए गजानन, ऑप्शन बी गजवदन, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी गजकाय। गणेश की पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। गजकाय जो है वो गणेश जी की पर्यायवाची नहीं है, जबकि गजानन तो कॉमन ही है, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गजबदन, महाकाय, हेरम्ब, वक्रतुंड, गौरी, सूत, प्रथमेश, मूषकवाहन, गणाधि, ये सभी क्या है, वो गणेश जी की पर्यायवाचियाँ हैं। गजकाय जो है वो गणेश जी की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी विश्रांति, ऑप्शन सी कांतर, ऑप्शन सी कांतार है, और ऑप्शन डी है हमारा देव। तो जंगल की पर्यायवाची कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कांतार जो है वो जंगल की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सॉरी, पूछ रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, पूछ रहा है कि कौन सी पर्यायवाची है। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ और मेरा खुद ही यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो कांतर जो है वो जंगल की पर्यायवाची है। इसके अलावा जंगल की पर्यायवाचियाँ कौन कौन सी हैं, जंगल की और पर्यायवाची अगर हम देखें तो कांतार, अटवी, वन, विपिन, अरण्य, ये सभी जो है वो कानन, ये सभी जंगल की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कैवल्य, ऑप्शन बी वारण, ऑप्शन सी दाव, ऑप्शन डी नागर। वन की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो हमने अभी ऊपर देखा है तो वारण जो है वो नहीं सॉरी हमने अभी देखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी दाव जो है वो वन की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलने से पहले हम एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। जंगल के पर्यायवाची शब्द दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी, ये क्या है, ये सभी जंगल की पर्यायवाची हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था तो वो थोड़ा सा गलत स्लिप हो गई, उसके लिए सॉरी। चलिए ऑप्शन सी जो है हमारा दाव, वो जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए वामा, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी अबला। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा इला, ठीक है। इला जो है वो सरस्वती की पर्यायवाची है, न कि इला जो है दो चीज़ों की पर्यायवाची, पृथ्वी और सरस्वती दोनों की पर्यायवाची, ठीक है। तो जो ऑप्शन में रहेगा आपको वो लगाना है, और बाकी तीन जो है वो वामा, भामा और अबला स्त्री की पर्यायवाचियाँ हैं। इसके अलावा वनीता मैंने कल बताया था आपको, और इसके अलावा है रमणी, कामिनी, ये सभी क्या है, वो स्त्री की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तुंग, ऑप्शन बी कुंजर, ऑप्शन सी करी, ऑप्शन डी मतंग। पर्वत की पर्यायवाची कौन सी है, तो तुंग जो है वो पर्वत की पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा गिर, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्री, महीधर, इन सभी जो है हमने कल पर्वत की पर्यायवाची में पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था महीधर किसे बोलते हैं, तो देखिए महीधर जो है वो पृथ्वी को, अरे पर्वत को बोलते हैं, महीधर यानी पृथ्वी को धारण करने वाला, ठीक है। चलिए मही जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाची है, कुंजर जो है वो करी की, मतंग
गुंजर, करी और मतंग, ये तीनों जो है वो हाथी की पर्यायवाची हैं। ठीक है, लक्ष्मी का पर्याय है ऑप्शन ए देवपगा, ऑप्शन बी सुरसरी, ऑप्शन सी सिंधुजा, ऑप्शन डी जाह्नवी। तो लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सिंधुजा जो है वो लक्ष्मी की पर्यायवाची हो जाएगी। हमने इसे कल के लेक्चर में पढ़ा था। सुरसरी, जाह्नवी, ये सभी क्या हैं? देवपगा, ये सभी गंगा की पर्यायवाचियाँ हैं। लक्ष्मी की और पर्यायवाचियाँ क्षीरोदतनया, रक्षमा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा, इनमें से कुछ हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया। लक्ष्मी की पर्यायवाचियाँ क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मजा, इंदिरा हैं। ये इनमें से कुछ हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ललाटाक्ष, ऑप्शन बी गंगाधर, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी शशधर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशधर जो है वो शंकर जी की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, शशधर का मतलब होता है चंद्रमा। अगर शशिधर होता तब वो शंकर जी की पर्यायवाची होती, जबकि बाकी तीन ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सभी शंकर जी की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिव का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी मन्मथ, ऑप्शन सी कंदर्प, ऑप्शन डी मदनारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदनारी। ठीक है, ये शिव भगवान की पर्यायवाची है, जबकि बाकी तीन जो है वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? हमने देखा था ये कामदेव जी की पर्यायवाची है। ठीक है, शिशु, अगर शिव की और पर्यायवाचियाँ देखें तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, ये सभी क्या हैं? शंकर भगवान की परिभाषा है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने इसे सुन रखा है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए प्रकंपन, ऑप्शन बी चंचला, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी सुरभि। हवा का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रकंपन जो है वो हवा की पर्यायवाची है। अगर हवा की और पर्यायवाचियाँ देखें तो वात, मारुति, समीरण या समीर, वायु, अनिल, ये सभी क्या हैं? वो हवा की पर्यायवाचियाँ हैं। सुधा जो है वो अमृत की पर्यायवाची है। ठीक है, सुरभि जो है वो कामधेनु की पर्यायवाची है, कामधेनु जो एक गाय थी। ठीक है, सुरभि उसकी पर्यायवाची है, और सुगंध चंचला जो है वो बिजली की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी निकेतन, ऑप्शन डी सदन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा हमारा भुवन जो है वो घर की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, भुवन यानी संसार, इसकी संसार की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, बाकी गृह, सदन, निकेतन, और गेह, धाम, मंदिर, आगार, ये सभी क्या है? ये सभी भवन की पर्यायवाचियाँ हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर दी हुई हैं, ये सभी किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? भवन की पर्यायवाचियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? हमसे पूछा है कौन सा घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अयन, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी मयन, ऑप्शन डी घरन। चारों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते दे दिया है, तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछता है, गेह शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी गर्दव, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी गाय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गेह किसका पर्यायवाची? गेह जो है वो गृह का पर्यायवाची है। व्योम आकाश का है, और गर्दव जो है वो गधे का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुषमा, ऑप्शन बी समीरण, ऑप्शन सी वात, ऑप्शन डी पवमान। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा। सुषमा जो है हमने पढ़ा था ये सौंदर्य की पर्यायवाची है, न कि वायु की पर्यायवाची है। बाकी अन्य तीन जो है वो समीरण, वात और पवमान, ये सभी वायु की पर्यायवाचियाँ हैं। वायु की और पर्यायवाचियाँ अगर देखें तो हम पवन, मारुत, बयार, ये सब, अनिल,
प्रकंपन हमने अभी देखा था, ये सभी क्या है, वायु की पर्यायवाचियाँ हैं। यहाँ देखिए वायु की सारी पर्यायवाचियाँ दी हुई हैं, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, ये सभी वायु की पर्यायवाचियाँ हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अनंग, ऑप्शन डी अनूप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो हवा की पर्यायवाची है अनिल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी गयंद, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाजी, ऑप्शन डी तुरंग। हाथी की पर्यायवाची है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, गयंद जो है वो हाथी की पर्यायवाची है। बाजी और तुरंग ये तीनों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये किसकी पर्यायवाची है, ये घोड़े की पर्यायवाचियाँ हैं यानी अश्व की। अगर हम हाथी की पर्यायवाचियाँ देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरथ। द्विरथ जो है ध्यान रखना है, जबकि द्विरेफ जो है अगर आता है तो वो भौरे की पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्विरथ दिया हुआ है वो हाथी की पर्यायवाची है। मतंग, कुंभी, ये सभी जो है वो हाथियों की पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी अंब, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी अभ्र। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अक्ष जो है वो नेत्र की पर्यायवाची है। नेत्र की और पर्यायवाचियों के लिए अगर देखें तो चश्म, नयन, नज़र, अंबक, विलोचन, लोचन, अक्षी, चक्षु, ये सभी क्या हैं, वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं, नेत्र की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, जबकि अंब जो है वो जल की पर्यायवाची हो गई और अंश जो है वो भाग या हिस्सा माना जाता है, इसकी पर्यायवाची में हम उसे रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद का पर्याय है ऑप्शन ए मोद, ऑप्शन बी केवल, ऑप्शन सी स्प्रेहा, ऑप्शन डी बयार। हमसे पूछ रहा है आनंद की पर्यायवाची, आनंद की पर्यायवाची को हम ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा मोद। मोद भी बोल सकते हैं, प्रमोद भी बोल सकते हैं, आह्लाद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, अगर हम लोकल ऐसे नॉर्मली वे में बोले तो उसे हम मज़ा भी बोल सकते हैं, लुत्फ भी बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं, ये सभी क्या है आनंद की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, कैवल्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए यूज किया जाता है यानी उसकी पर्यायवाची हो गई, स्प्रिया जो है वो इच्छा की यानी या महत्वाकांक्षा की हो गई, और जबकि बयार जो है वो पवन की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो देखते हैं, पूछता है कि आभूषण का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी विभूति। पूछ रहा है कि आभूषण की पर्यायवाची नहीं है, तो विभूति जो है वो आभूषण की पर्यायवाची नहीं है, जबकि टूम, मंडन, भूषण ये सभी गहना, जेवर, ये सभी हम क्या कहते हैं आभूषण की पर्यायवाचियों में गिनते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए विबुध, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी जिष्णु, ऑप्शन डी विधु। तो इंद्र की पर्यायवाची इसमें से कौन सी है, अब तक में हमने जितनी पढ़ी उसमें सबसे अलग आया है तो जिष्णु जो है वो इंद्र की पर्यायवाची है। और पर्यायवाचियाँ देखें तो शक्र, शचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, शूरपति, मधवा, देवेश, शतृतु, विडोला, देवेंद्र, ये सब हमने पढ़ लिया है, पर जिष्णु जो है वो पहली बार आया तो इसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये पूरी ही अलग तरीके से है, क्या है, वित्रीहा, विष्णु, जिष्णु, विभुधेश, वज्रधर, पुरहूत, कौशिक, ये सभी जो है बाकी तो हमने पढ़ रखी हैं, ये एक अलग लाइन आई है जिसे जो कि इंद्र की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, विधु जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची हो गई और नरेंद्र जो है वो राजा की पर्यायवाची हो गई। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विबुध जो है वो देवता की पर्यायवाची, जबकि विभुधेश जो है फिर वो इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी यानी देवताओं का देवता यानी इंद्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मघवा, ऑप्शन डी गणाधिप। तो हमने देखा था गणाधिप जो है वो इंद्र की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गणाधिप जो है वो गणेश जी के लिए यूज किया जा सकता है या फिर गणस्वामी, सेनानायक, गणेश, शिव जी, इन सभी के लिए जो है वो गणाधिप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है,
ऑप्शन ए हलधर, ऑप्शन बी हलायुध, ऑप्शन सी हली, ऑप्शन डी बलवीर। किसान की पर्यायवाची पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो हल को धारण करे वो हलधर यानी किसान कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए हली हलायुध जो है वो हलायुध, हली और बलवीर ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये बलराम जी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी वयस्क, ऑप्शन सी पामर, ऑप्शन डी नागर। चतुर के लिए पर्यायवाची पूछ रहा है तो आंसर डी नागर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए हम सयाना, प्रवीण, कुशल, दक्ष इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि चतुर की पर्यायवाचियाँ मानी जाएंगी। इसमें जो है कंचन जो है वो सोने की हो गई और पामर जो है वो कल यानी दुष्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित का पर्याय नहीं है, ऑप्शन ए मनीषी, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन सी शुद्धि। तो पंडित का पर्याय नहीं है, वो पुंडरीक जो है वो पंडित का पर्याय नहीं है क्योंकि पुंडरीक जो है हमने पढ़ा था ये कमल का पर्याय है। बाकी मनीष, प्राग, शुद्धि, मनीषी, प्राग, शुद्धि ये सभी क्या हैं, पंडित के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मोक्ष का पर्याय है ऑप्शन ए सारूप्य, ऑप्शन बी परमपद, ऑप्शन सी और आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन डी प्राणोत्सर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमपद, ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके लिए हम कैवल्य का भी प्राप्त पर्यायवाची मानते हैं। कैवल्य, अमृत्व, धाम, परम धाम, निर्वाण, मुक्ति ये सभी जो है मोक्ष की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, जबकि सारूप्य जो है वो तादात्म्य का, आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग जो है वो बलिदान की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पथ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए मग, ऑप्शन बी मार्ग, ऑप्शन सी पंथ, ऑप्शन डी अडिग। पथ का पर्यायवाची नहीं है तो क्या हो जाएगा, अडिग जो है वो पथ की पर्यायवाची नहीं हो जाएगी यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मग, मार्ग, पंथ और अडिग, मग, मार्ग और पंथ ये सभी क्या हैं, ये पथ की पर्यायवाचियाँ हैं। अडिग जो है वो अचल की पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए जग, ऑप्शन बी धाम, ऑप्शन सी अटवी, ऑप्शन डी पुर। नगर की पर्यायवाची, तो नगर के लिए हम पुर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम शहर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जग जो है वो संसार की पर्यायवाची है, धाम जो है वो घर की पर्यायवाची है, और अटवी जो है वो जंगल की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी जहान, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी जम्बूद्वीप। संसार की पर्यायवाची, संसार के लिए हम सृष्टि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सृष्टि जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है संसार शब्द का, संसार शब्द की पर्यायवाची जो है वो जहान है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सृष्टि जो है वो रचना की पर्यायवाची है, संपदा जो है वो द्रव्य का यानी हमारी प्रॉपर्टी का पर्यायवाची है, और जम्बूद्वीप जो है वो भारत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा का पर्याय है, ऑप्शन ए दिवा, ऑप्शन बी अमृत निधान, ऑप्शन सी प्रबोध, ऑप्शन डी पावस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा का पर्याय ऑप्शन डी पावस। वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि ये सभी क्या है, वर्षा की पर्यायवाचियाँ, जबकि दिवा जो है वो दिन की पर्यायवाची है, अमृत निधान जो है चंद्रमा की, और प्रबोध जो है वो बहुत की पर्यायवाची है यानी बहुत सारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए पैड़ी, ऑप्शन बी साखी, ऑप्शन सी रसद, ऑप्शन डी रसाल। ये तो ईख की पर्यायवाची क्या नहीं है, साखी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साखी जो है वो वृक्ष की पर्यायवाची है न कि ईख की। बाकी ईख की कौन कौन सी पर्यायवाचियाँ हो गई, पैड़ी, रसद, रसाल, और ये सभी जो है रसदंड और गन्ना ये सभी क्या है, ईख की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, ऑप्शन ए अमृतत्व, ऑप्शन बी सुरतरु, ऑप्शन सी पारिजात, ऑप्शन डी कल्पतरु। तो कल्प वृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है, अमृतत्व जो है वो कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। ठीक है,
कल्पवृक्ष के पर्यायवाची अगर देखें तो देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, ये सभी क्या हैं, उसकी पर्यायवाचियाँ हैं। अमृतत्व जो है वो मोक्ष की पर्यायवाची है, ठीक है। दूध का पर्याय है ऑप्शन ए कीर, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी रस। दूध का पर्यायवाची, दूध की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दूध के लिए हम क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय, इन सब की इन सभी को प्रयोग करते हैं क्षीर के लिए, ठीक है। जबकि कीर जो है वो तोता का, सुधा जो है अमृत का, तथा रस जो है जल की पर्यायवाची हो जाएगी। हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए पेय, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी गोरस, ऑप्शन डी अमृतत्व। तो हमने देखा था अमृतत्व जो है वो मोक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी तीन जो है वो दूध की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए शुआ, ऑप्शन बी रक्ततुंड, ऑप्शन बी सी वितुंड, ऑप्शन डी दाड़िम प्रिय। तोता का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो वितुंड जो है वो तोता की पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वितुंड जो है वो हाथी की पर्यायवाची है, ठीक है। तो बाकी जो है बाकी सुगा, रक्तुंड, दाड़िम्प्री, शुक, कीर, ये सभी क्या हैं, तोता की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए अतिसौरभ, ऑप्शन बी सहकार, ऑप्शन सी अम्बू, ऑप्शन डी रसाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा अम्बू जो है वो आम की पर्यायवाची नहीं है, जबकि अतिसौरभ, सहकार और रसाल जो है, देखिए यहाँ पे रसाल दो बार आ चुका है। रसाल एक तो ईख के लिए भी, ईख की भी पर्यायवाची है, और दूसरे आम की भी पर्यायवाची है, ठीक है। तो अम्बू जो है वो आम की पर्यायवाची नहीं है, अम्बू का अर्थ पानी होता है, जबकि अगर यहाँ पे अम्ब होता तो वो आम की पर्यायवाची होती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम का पर्याय नहीं है, ऑप्शन ए ताम्रस, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी रसाल, ऑप्शन डी सामान्य। तो ताम्रस जो है वो आम की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ताम्रस कमल की पर्यायवाची है, न कि आम की, ठीक है। आम के लिए मधुराशव, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य, रसाल, अमृतफल, सहकार, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ये सभी एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ मानी जाती हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सरसिज, ऑप्शन बी पारिजात, ऑप्शन सी अमृतत्व, ऑप्शन डी कुसुम। पुष्प की पर्यायवाची पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी, पुष्प की पर्यायवाची कुसुम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सरसिज जो है वो कमल की पर्यायवाची है, अमृतत्व जो है वो मोक्ष की पर्यायवाची है, और पारिजात जो है वो कल्पवृक्ष की पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है कुसुम, कुसुम जो है वो पुष्प की पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी मद, ऑप्शन सी पावस, ऑप्शन डी उदक। तो जल की पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा उदक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जल की पर्यायवाची के लिए अगर हम पढ़ लें तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो जल की पर्यायवाचियाँ अम्भ, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आप, सलील, वारी, ये सभी क्या हैं, जल की पर्यायवाचियाँ हैं। अमी जो है वो अमृत की पर्यायवाची है, मद, नशा या उन्माद की, और पावस जो है वो वर्षा की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सलील, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी जीवनक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सलील जो है वो सही हो जाएगा। सलील वायु के लिए मत यूज कीजिएगा, क्योंकि सलील जो है वो शब्द की, अरे जल की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन ए वनिता, ऑप्शन बी सिंधुजा, ऑप्शन सी तनुजा, ऑप्शन डी अवनी। तो मैंने पहले बताया था कि अगर तनुजा वर्ड है तो वो पुत्री के लिए प्रयुक्त होता है। पुत्री की और पर्यायवाचियाँ देखें तो क्या हो जाएंगी, श्रुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता, ये सभी क्या हैं, स्त्री की यानी पुत्री की पर्यायवाचियाँ हैं। वनिता जो है वो स्त्री की पर्यायवाची है, और सिंधुजा जो है वो लक्ष्मी की, और अवनी जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण की पर्यायवाची पूछ रहा है, ऑप्शन ए मरीची, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी दीप्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, चलिए हमारा क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए मरीची, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी दीप्ति। आयोग ने जो है यहाँ पे पुष्कर और दीप्ति दोनों को ही
माना है, ठीक है। इसके दो उत्तर मान लिए थे, क्योंकि पुष्कर का मतलब तालाब भी होता है और पुष्कर का मतलब किरण भी होता है, और दीप्ति भी जो है किरण के लिए, या दीप्ति भी जो है वो दीप्ति जो है वो प्रकाश की पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप इसे एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे मरीचि और रश्मि ये सभी क्या हैं, वो किरण की पर्यायवाचियाँ हैं। अगर हम किरण की पर्यायवाची देखें तो क्या हो जाएगा, मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, मयूख, ये सभी किसकी पर्यायवाचियाँ हैं, किरण की पर्यायवाचियाँ हैं। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन बी अर्ची, ऑप्शन सी मरीचि, ऑप्शन डी कर। तो आंसर क्या हो जाएगा, विभावरी जो है वो रात की पर्यायवाची है, न कि किरण की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कुंजर, ऑप्शन बी पामर, ऑप्शन सी मोषक, ऑप्शन डी प्रतारक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोषक जो है वो चोर की पर्यायवाची है। चोर हमारे इस सेगमेंट में कई बार आ चुका है, तो चलिए चोर की पर्यायवाची देख ही लेते हैं। रजनीचर, मोषक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये सभी क्या है, चोर की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। कुंजर जो है वो हाथी की पर्यायवाची है, पामर जो है वो खल की पर्यायवाची है, और प्रतारक जो है वो ठग की पर्यायवाची है। चोर और ठग में अंतर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए वासर, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी तिथि, ऑप्शन डी मिति। दिन की पर्यायवाची कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा, वासर जो है वो दिन की हो जाएगी, बाकी तीन जो है वो तारीख यानी दिनांक की जो है पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले दिवा, दिवस, वासर, वार, दिवा, ये सभी क्या हैं, दिन की पर्यायवाचियाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए बसंत दूत, ऑप्शन बी सुआ, ऑप्शन सी पखेरु, ऑप्शन डी शिखी। तो पक्षी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, पखेरु जो है वो पक्षी की पर्यायवाची हो जाएगी। इसके अलावा पक्षी की पर्यायवाची संकुत, खग, चिड़िया, विहंग, नभचर, पतंग, ये सभी क्या हैं, पक्षी की पर्यायवाचियाँ हैं। बसंत दूत जो है वो कोयल के लिए बोला जाता है, क्योंकि बसंत आने से पहले वो कूकने लगती है, ऐसा माना जाता है। और सुआ जो है वो तोते की पर्यायवाची है, जबकि शिखी जो है वो मोर की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए प्रभुत, ऑप्शन बी अनन्यता, ऑप्शन सी निष्णात, ऑप्शन डी राशि। बहुत की पर्यायवाची है, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभुत जो है वो बहुत की पर्यायवाची हो जाएगी। इसके अलावा प्रचुर, अति पर्याप्त, अमित या सफिशियंट जो भी कहें, वो इनफ जो है वो बहुत में आ जाएगा, ठीक है। अत्यंत जो है वो सब क्या है, बहुत की पर्यायवाचियाँ हैं। अनन्यता जो है तादात्म्य का पर्यायवाची है, जबकि निष्णात जो है दक्ष एवं कुशलता का है, और राशि जो है वो शब्द समूह का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए चंद्र, चक्रांश, ऑप्शन बी चिमूत, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी आत्मा। हंस की पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी चिमूत जो है वो सही हो जाएगा। हंस की पर्यायवाचियाँ अगर देखें तो क्या हो जाएंगी, हंस की पर्यायवाचियाँ हैं मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा, ये सभी क्या हैं, हंस की पर्यायवाचियाँ हैं। जिमूत जो है वो मेघ की पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खल का पर्यायवाची है ऑप्शन ए शठ, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी प्रपंच। तो शठ जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खल, ठीक है। खल को दुष्ट भी बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। खल की और पर्यायवाचियाँ क्या क्या हैं, अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जिन, कुटिल, धूर्त, ये सभी क्या हैं, खल की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। अधर्म शब्द पाप के लिए प्रयोग किया जाता है, और तम जो है वो अंधकार के लिए, जबकि प्रपंच जो है वो आडंबर का पर्यायवाची है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए संपदा, ऑप्शन बी विभूति, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी समृद्धि। तो द्रव्य का पर्याय जो है वो आभूषण नहीं है, बाकी जो है वो द्रव्य की पर्यायवाचियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अमर्त्य, ऑप्शन बी जीविनेश, ऑप्शन सी मातृ, ऑप्शन डी वयस्य। तो हमारे यहाँ पे वयस्य जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये मित्र की पर्यायवाची है। मित्र की और पर्यायवाचियाँ सहचरी, संगी, साथी, दोस्त, ये सभी हैं। मीत, ये सभी क्या हैं,
उसकी पर्यायवाचियाँ हैं मित्र की। अमर्त्य जो है वो देवता का, जीविनेश जो है वो यम का, और मातृ जो है वो माँ का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कूट, ऑप्शन बी षटपद, ऑप्शन सी टूम, ऑप्शन डी कुंभी। घड़ा का पर्यायवाची जो है यहाँ पे कूट जो है वो घड़ा का पर्यायवाची है। घड़ा के लिए हम घट, कलश, कुंभ इन सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। षटपद जो है वो भौरे की पर्यायवाची है, टूम जो है वो आभूषण की। षटपद जो है वो भौरे का और टूम आभूषण का, तथा कुंभी जो है हाथी की पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी वंचक, ऑप्शन सी निर्जर, ऑप्शन डी निष्णात। तो यहाँ पे अशक्त की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? मंद जो है वो अशक्त की पर्यायवाची है। इसका मतलब क्या होता है? ढीला, मंद, सुस्त, आलसी, ये सभी क्या है? अशक्त की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। वंचक जो है वो ठग की पर्यायवाची है, निर्जर जो है वो देवता का, और निष्णात जो है वो पटु की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रारब्ध, ऑप्शन बी भावी, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी दैव्य। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नियति का पर्यायवाची शाश्वत नहीं है। नियति के पर्यायवाची के लिए हम देखें तो क्या हो जाएगा? नियति के पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैत्य इत्यादि। शाश्वत जो है नित्य, सदैव, या अहर्निश या अनश्वर आदि शब्द के पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए विभुत, ऑप्शन बी अतनु, ऑप्शन सी जीवनपति, ऑप्शन डी कोविद। देवता का पर्यायवाची, तो हमारा यहाँ पे आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची। विभुतेश्वर हमने पढ़ा था, वो विभुधेश वो इंद्र की पर्यायवाची थी, ठीक है। देवता के लिए हम सुर, असुर, देवता के लिए हम सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विशुद्ध इन सभी का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है देवता की पर्यायवाचियाँ हैं, जबकि अतनु जो है कामदेव का, जीवनपति यम का, तथा कोविद जो है वो पंडित का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। ऑप्शन ए अलकेश, ऑप्शन बी विभुध, ऑप्शन सी अनिक, ऑप्शन डी ज्योतिषिक। तो ऑप्शन बी विभुध जो है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी महीधर। हमने देखा था महीधर जो है वो पर्वत की पर्यायवाची है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है वो देवता की पर्यायवाचियाँ हैं। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए ईहा, ऑप्शन बी स्पृहा, ऑप्शन सी वासना, ऑप्शन डी वित्रिहा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वित्रिहा जो है वो इच्छा की पर्यायवाची नहीं है, वित्रिहा इंद्र की पर्यायवाची है। बाकी सभी किसकी पर्यायवाचियाँ हैं? इच्छा की पर्यायवाचियाँ। इच्छा के लिए हम अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, इहा, स्प्रिहा, वांछा, मनोरथ इन सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हरिण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मृगांक, ऑप्शन बी कुरंग, ऑप्शन सी सिंदूर, ऑप्शन डी चंचला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुरंग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि हरिण की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हरिण की पर्यायवाची है मृगांक जो है वो चंद्रमा का, सिंदूर जो है वो हाथी का, और चंचला जो है वो बिजली की पर्यायवाची है, जबकि कुरंग जो है वो हरिण की पर्यायवाची है। हरिण की और पर्यायवाचियों में मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, कृष्ण सार, ये सभी हरिण की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। हिरण का पर्यायवाची है ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी चंचला, ऑप्शन सी गयंद, ऑप्शन डी मृग छालन, मृग लांछन। तो यहाँ पे सारंग जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी देवेश, ऑप्शन सी अग्रजन्मा, ऑप्शन डी पंचसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अग्रजन्मा ब्राह्मण की पर्यायवाची है। ब्राह्मण के लिए हम लोग विप्र, द्विज, भूषर, अग्रजन्मा, महीदेव, भूदेव इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। देव जो है वो देवता का, और देवेश जो है वो इंद्र का, जबकि पंचसर कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी यमलोक, ऑप्शन सी दुर्गति, ऑप्शन डी यमपुर। नरक की पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग, ये जो है नरक की पर्यायवाची नहीं है, जबकि यमलोक, यम, दुर्गति और यमपुर, ये सभी क्या है?
नरक की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति, ये सभी क्या हैं? बलिदान की पर्यायवाचियाँ हैं। निम्नलिखित में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए मुकुंद, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन बी कंसार, ऑप्शन सी कंसारी, ऑप्शन डी कोविद। तो क्या हो जाएगा? कोविद जो है वो कृष्ण की पर्यायवाची नहीं होगी, ठीक है। कोविद जो है वो पंडित की पर्यायवाची है। कृष्ण की बहुत सारी पर्यायवाचियाँ हैं, यानी कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, मुरारी, केश, वनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कुछ भी नाम आप बोल सकते हैं। कृष्ण भगवान के जितने नाम हैं वो सभी कृष्ण के पर्यायवाचियों में आते हैं। बंदर का पर्याय नहीं है, ऑप्शन ए हरि, ऑप्शन बी शाखामृग, ऑप्शन सी कीश, ऑप्शन डी कपीश। तो कीश जो है वो बंदर की पर्यायवाची, जबकि कपीश जो है वो हनुमान की पर्यायवाची है, ना कि बंदर की, ठीक है। हरि, शाखामृग, कीश, ये सभी बंदर की पर्यायवाचियाँ हैं। इसके लिए मरकट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है या वानर का भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी पर्यायवाची हैं बंदर की। शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी वानर, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी भौरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाखामृग अभी हमने देखा, वानर जो है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किनारा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए निकर, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी पुलिन, ऑप्शन डी पर्यंत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए निकर। ये किनारा शब्द की पर्यायवाची नहीं है। निकर जो है वो समूह, पुंज या राशि की पर्यायवाची है, न कि किनारा की। बाकी पुलिन, कुल और पर्यंत, छोर, सिरा, ये सभी क्या है? तट, ये सभी किनारा की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए तोमर, ऑप्शन बी तमी, ऑप्शन सी तिमिर, ऑप्शन डी तुरंग। तो अंधकार की पर्यायवाची हम सभी जानते हैं, ऑप्शन सी तिमिर है, ठीक है। अंधकार के लिए हम और पर्यायवाचियाँ देखें तो क्या हो जाएंगी? ध्वांत, तमस्त्र, अंधेरा, अंधियारा, ये सभी क्या हैं? अंधकार की पर्यायवाचियाँ हैं। तोमर बाढ़ का है, तमी रात का, और तुरंग जो है वो घोड़े की पर्यायवाची है। तो बचता क्या है? तिमिर। तिमिर जो है वो अंधकार की पर्यायवाची है। और पर्यायवाची के इस सेगमेंट में हमारा ये आखिरी क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी अभिजात, ऑप्शन सी महिप, ऑप्शन डी भूप। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अभिजात जो है वो राजा की पर्यायवाची नहीं है। बाकी राव, महिप, भूप, ये सभी नरपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, शासक, भूमिपति, नृप, ये सभी क्या है? राजा की पर्यायवाचियाँ हैं। जबकि अभिजात जो है वो श्रेष्ठ, पूज्य, कुलीन या उच्च वर्ग के लिए, उच्च वर्ग की पर्यायवाचियाँ हैं। तो आज हमारा पर्यायवाची शब्द जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन, हम अगले दिन मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।